नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी नगर के युवा खिलाड़ी के नाम एक बड़ा कीर्तिमान जुड़ गया है। हल्द्वानी निवासी 5.5 साल के तेजस तिवारी विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा की गई है। तेजस ने इससे पहले कई प्रतियोगिता में कमाल का प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की सूची में उन्हें 1139वीं रेटिंग प्राप्त हुई है। इस सूची के सामने आने के बाद से तेजस के परिवार को बधाइयां मिल रही हैं। इन दिनों नगर निगम लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारे में लगा हुआ है। मेयर डॉक्टर जोगिंद्र पाल सिंह रौतेला खुद वार्डों में जाकर लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं। वहीं अब इसे निकाय चुनाव नजदीक होने का साइड इफेक्ट कहें या फिर जनता के लिए समर्पित पर इस बहाने लंबित कार्यों ने गति पकड़ ली है। रोजाना मेयर साहब निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और वहीं जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण भी कर रहे हैं। उनके दरबार में आजकल आम जनता, व्यापारियों के साथ पार्षदों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। काठगोदाम थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोपी उन पर मकान छोड़कर जाने का दबाव भी बना रहा है। पुलिस के अनुसार शारदा फैक्ट्री दमुआ डूंगा काठगोदाम शीश महल निवासी शमरोज खान ने पुलिस में तहरीर देकर कहा कि उनका पड़ोसी उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करता है, साथ ही रिवॉल्वर दिखाकर उनसे मकान छोड़कर जाने को कहता है। काठगोदाम थाने के एसओ प्रमोद पाठक ने बताया कि मामले में उचित कार्यवाही की जा रही है। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर बनभूलपुरा क्षेत्र की जनता के साथ बैठक ली और क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे भरान से लेकर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सिटी हरबंश सिंह ने क्षेत्र में शांति माहौल बनाए रखने की अपील की और ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर लोगों से बातचीत कर रूट निर्धारण किया गया। महिला ने अपने ससुरालियों पर दहेज का उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार वार्ड 32 निवासी रुखसाना ने अपने पति मोहम्मद असलम और ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रुखसाना ने कहा जब उसके परिवार वाले दहेज देने में सक्षम नहीं हुए तो ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। एसओ नीरज भाकुड़ी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।